हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के बजे है 1 और अभी मेरा बन रहा है लंच। और अभी जो कि एक लंच बना है मेरा, एक सब्जी बना है और 2 बनना बाकी है। मतलब आज मेरा मूड है खाना बनाने का, तो मैं दिखा दूँ क्या क्या बन रहा है। यहाँ है भिंडी आलू की सब्जी और यहाँ चल रहा है मूवी। एंड यहाँ देखो, ये महाशय सोए हैं। बारिश में वेब सीरीज का मज़ा। अभी मैं बना रही हूँ और एक बनेगा कोचूर। कोचूर बोए रे की कोई हिंदी ते, जो भी हो अरबी का कुछ होता है लंबा लंबा, वो बन रहा है। जड़ जड़, हाँ जड़ बन रहा है। और क्या बन रहा है, और परवल, मलाई वाला परवल बन रहा है। तो आज रेसिपी शेयर नहीं किया है, बट मैं हाँ कोचू का जो अरबी का जो जड़ है उसका शेयर करूँगी, तो आपको दिखा दूँ कैसा होता है। तो यहाँ पे है जो कि मैंने काट के रखा था अरबी का जो जड़ है उसको, और अच्छे से छिल छाल के रखा है मैंने। और ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, अगर आप प्याज लहसुन के साथ खाओ ना तो अच्छा लगता है। और आप अगर केले के पत्ते के ऊपर बनाओ तो और भी अच्छा लगता है, फ़िश के साथ और भी अच्छा लगता है। मतलब बहुत सारे, मतलब इसके रेसिपी है केले के पत्ते पे बनाना। मुझे केले के पत्ते पे बनाना आता नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, तो पहले मैंने इस कढ़ाई में ना सब्जी पकाया था थोड़ी देर पहले, तो उसी में ही मैंने धोया नहीं, उसी में ही मैंने डाल दिया। अब कौन धोए, शॉर्टकट ही सही है। और यहाँ भी मैंने गरम तेल में जीरा डाला है। जीरा अच्छे से चटक जाए तो उसके अंदर डाल दूँगी प्याज एंड टमाटर, उसके बाद अदरक और क्या कहते हैं लहसुन का पेस्ट, मतलब उसको क्रश क्रश कर रखा है मैंने। और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर, फिर ये सारे मसाले। तो इनको मुझे अभी करना है सॉफ्ट, और सॉफ्ट करने का सबसे अच्छा आइडिया है इसमें थोड़ा नमक डाल दो और थोड़ा सा पानी डाल दो तो बन जाता है आपका, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। नमक डालने से ही ना वो टमाटर जो है ना वो मेल्ट होने लगता है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ना मैं इसको मैश कर लूँगी और इसके अंदर अभी डालूँगी मैं जैसे जीरा पाउडर जो कि अभी मैंने बनाया है, घर में ही बनाया है। और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर एंड थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये ना जल जा रहा था, तो गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा है तो जल जा रहा था। और इसमें डाला है मैंने हल्दी। और जब भी आप मसाले डालें ना तो थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि जो पाउडर है ना वो ब्लैक हो जाता है और उसके बाद इसमें ना टेस्ट नहीं आता है, वो कड़वापन लगता है। तो कभी भी आप अगर जीरा पाउडर का यूज़ करते हैं ना तो प्लीज़ आप मतलब थोड़ा सा पानी डाल दें, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है एकदम, क्या कहते हैं, कड़वापन हो जाता है। और यहाँ पे मेरा ग्रेवी तैयार हो चुका है और अभी इसके अंदर डाल दूँगी मैं ये अरबी का जो जड़ है इसको, और इसको बंगाली में पता नहीं क्या कहते हैं, आई थिंक कोचूर बोई, हाँ कोचूर बोई कहते हैं। तो ये काफ़ी यम्मी होता है। और इसको ना मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दूँगी, लो फ्लेम में रख दूँगी, आराम आराम से पकते रहेगा। और इसको इसमें एकदम सूखी सब्जी बनाना है, ग्रेवी मतलब सॉरी एकदम उस टाइप का नहीं बनाना है, तरी नहीं बनाना है, इसका ग्रेवी बनाना है। तो अभी फाइनली मेरा जो कि ये बन चुका है, इस तरीके का बनता है। तो ये काफ़ी यम्मी लग रहा था देखने में। और यहाँ साइड में मैंने बनाया है परवल और उसमें थोड़ा सा क्रीम डाला है, फ्रेश क्रीम। और यहाँ पे है भिंडी आलू की सब्जी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग तो अभी मैं बना रही हूँ पकौड़ी आलू का।
बाहर का। तो अभी चल रहा है कौन सा मूवी? ज्यादा हो जाएगा गांव वाले फिर बात। पंचायत हम कह रहे थे कि हैं इतनी से भगाते कि हम दो बार गिरे। आधा आधा देख लिया मैंने, देखा भी नहीं। मुझे दोबारा देखना है, बाद में देख लेना। सो जाते हो ना इस वजह से गुस्सा आ गया। देखना एक साथ देखो, कल देखेंगे, कल देखेंगे दोबारा। कल कल जाना है पूरा दिन के हॉस्पिटल में रहेंगे। तो एक साइड बन रहा है पकौड़ी और एक साइड बन रहा है चाय। तो मौसम का एंजॉय लेंगे। बाहर का मौसम एकदम पूरा बादल बादल सा सुहाना मौसम। तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, दिखने में तो सही लग रहा है और खाने में भी सही है, ऐसा नहीं है। जो कि पकोड़े तो बन चुके हैं, मैंने थोड़ा सा बनाया, थोड़ा बहुत खाना ही सही है, थोड़ा सा बनाया है, दो आलू का बनाया है। और यहाँ चल रहा है एक मूवी पंचायत, जो कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे काफ़ी अच्छा मूवी है, बट काफ़ी देखा है मैंने, काफ़ी फनी भी है, काफ़ी अच्छा भी है। और वहाँ बना रहे चाय, मुझे रात का प्रिपेयर करना है, दाल बनाना है। देखती हूँ आज मैं दाल मखनी का सोचती हूँ। थोड़ा सा फ्रेश क्रीम रखा है मैंने, कल क्रीम बनाया था घर में, तो वही दाल मखनी का सोचूंगी। और तो हमारा चाय भी बन चुका है और पकौड़े भी, और अभी हम इवनिंग का एंजॉय कर रहे हैं। मूवी कैसा है? तो चटनी में यार कौन सा वाला चटनी? टमाटो मजा नहीं आया। पकौड़े के साथ हमेशा ना And I promise you that I would